हेलो बेटा। वेट अ मिनट, हु आर यू? मेरे को नहीं पहचानते, मैं राधे माँ हूँ। राधे माँ मेरे बहुत फॉलोअर्स हैं। रुको, रैंडम टॉकर्स वाला विशाल आएगा और तुम्हें बताएगा। अरे बेटा, फिरंगी वाले छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बेटे, मैं बताऊँगा तुम्हें राधे माँ कौन है और इसकी खास रीज़न क्या है, अभी बताता हूँ। भाई राधे माँ ना सेल्फ मेड गॉड है, लोग भगवान बनाते हैं, इन्होंने खुद ही अपने आप को भगवान बना दिया, इतनी महान व्यक्ति राधे माँ। तो आज हम बात करने वाले हैं राधे माँ का टॉपिक। राधे माँ को लाइमलाइट में आए हुए 5 साल हो गया, जब वो 2 बार आज तक के इंटरव्यूज दे चुकी है, लेकिन अभी फिर से वो लाइमलाइट में ही, उसका एक कारण है। राधे माँ को बिग बॉस वाले 25 लाख रुपए दे रहे हैं पर वीक। अरे हंसने की बात नहीं, सच में दे रहे हैं। यस आई एम सीरियस। तो इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन पहले इंट्रो पेश किया जा रहा है। ए लाओ रे इंट्रो लाओ। नमस्ते नमस्ते हस्ते से नमस्ते, मेरा नाम है विशाल रोजारी और आप देख रहे हैं रैंडम टॉकर्स। देखिए आज का डेट 3 अक्टूबर सैटरडे है और आज की रात से बिग बॉस 14 सीजन 14 स्टार्ट होने वाला है। तो सीजन 14 में हालांकि बहुत विभिन्न किस्म के कंटेस्टेंट है, पुराने जो पहले से पार्टिसिपेट किए वो भी वापस आने वाले हैं, कुछ लोग कोच करने के लिए आने वाला है, कुछ लोग फिर से पार्टिसिपेट करने के लिए आने वाले हैं। सभी लोगों को पर वीक पेमेंट मिलता है, कुछ लोग को 10 लाख, कुछ लोग को 5 लाख, कुछ लोग को 7 लाख, वो पहले एग्रीमेंट में डिसाइड होता है। तो आउट ऑफ ऑल दी कंटेस्टेंट इन्हें राधे माँ को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है। राधे माँ, जिन लोग को पता नहीं, अगर आप गूगल सर्च करोगे तो उनका नाम और उनका डेफिनेशन सब कुछ आ जाएगा। मैंने भी किया तो मेरे को ये दिखा, लेकिन तुरंत बाद राधे माँ का सर्च किया तो ये भी दिखा मेरे को, पता नहीं क्या स्टेनलेस स्टील है कि क्या है कुछ है। तो ये तो हो गया। तो अभी मुद्दे की बात यह है, सीज़न जो बिग बॉस के प्रोड्यूसर्स है वो लगभग 2015 से उनको अपने शो में लाना चाहते थे एज ए कंटेस्टेंट, लेकिन पता नहीं राधे माँ के टीम से बात नहीं बनी कि राधे माँ ने मना किया कि जो डील ऑफर कर रहे थे वो उनको अच्छा लगा या नहीं लगा, कुछ विभिन्न कारण के कारण उनका आना कैंसिल हो गया। लेकिन अभी सीज़न 14 ऑफ बिग बॉस में राधे माँ इज़ कमिंग टू द हाउस, तो देखते हैं हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है कितने वीक टिकती है। अब जितने वीक टिकेगी उतना वीक पेमेंट देना पड़ेगा उनको, 25 लाख रुपए पर एपिसोड। ये बात तो कंफर्म है, न्यूज़पेपर में भी आया, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी जिन लोग बिग बॉस के फ़ैन हैं, भाई राधे माँ का इंटरव्यू मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों को याद होगा ना, जो बंदी मतलब सॉरी जो भगवान इंटरव्यू में जाके इंटरव्यूअर को खेल सकती है और वो कितना मस्त खेलेगी बिग बॉस में, तो देखने में मज़ा आएगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस टुडे।